मतदाता दिवस 25 जनवरी पर आयोजित होने वाले नव मतदाता सम्मेलन की तैयारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने आज PWD विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। यह आयोजन देश भर में 5000 स्थानों पर होने जा रहा है, जिसमें लगभग 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधा संवाद करेंगे। योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी जी के मार्गदर्शन व कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश मंत्री राहुल राणा जी के नेतृत्व में प्रदेश में 200 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद विधायक चुनाव लड़े प्रत्याशी प्रदेश पदाधिकारी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। योगेश्वर जी, जो आपको नवी जिम्मेवारी मिली है, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जिले से लेकर प्रदेश में आपकी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना विश्वास जताया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुर्लभ देव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरा शीर्ष नेतृत्व का और मेरे यहाँ से स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी का, और पूर्व में रहे मेरे प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश मंत्री भाई राहुल राणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन सब लोगों के आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह से मुझे आज युवाओं की बागडोर आमने का मौका मिला है। 2024 के चुनाव भी हैं और आपको जिम्मेवारी मिल रही है प्रदेश की, युवाओं के लिए क्या रहेगा? 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं पार्टी को पूर्ण ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जितनी भी जन कल्याण योजनाएं केंद्र की हो या प्रदेश की हो, जो युवाओं के हित की हैं और पारदर्शिता से नौकरी देने का काम जो माननीय मनोहर लाल जी ने किया है, उसको लेकर हम युवाओं के बीच में जाएंगे और जितने भी लाभार्थी हैं उन सबसे मिलने का काम युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी यानी कल एक साथ 5000 जगहों पर नव मतदाता जो है उनके साथ उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ मिलने वाले वार्ता करने वाले, तो भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के किस तरह की तैयारी है, हरियाणा में किस तरह का खास आयोजन इस पर रहने वाला है? हाँ जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि भी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में 5000 स्थानों में एक साथ एक समय पर 1000 युवाओं का सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इसी के निमित्त हरियाणा में भी 180 स्थानों के ऊपर कल कार्यक्रम रहने वाला है, जिसके अंदर हमारे सभी विधायक, सभी सांसद, चेयरमैन, मेयर और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं। और आदरणीय मोदी जी का एक ही मोटिव है कि भी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उससे संपर्क करना और 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद बदले भारत की तस्वीर उनके सामने रखनी और कैसे 2047 तक भारत विश्व गुरु बने उस संकल्प के साथ, और जो 10 सालों में हमने काम किए हैं, जिस परिणाम तक हम पहुंचे हैं, उस वो बात युवाओं तक पहुंचे, इसके निमित्त हमने एक कार्यक्रम भी रखे हैं। 2024 का जो है चुनावी वर्ष है और युवाओं को लेकर एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली, युवाओं को जोड़ना, उनके साथ संपर्क करना, तो क्या रहेगा भविष्य में आगे, क्या प्लानिंग? मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि भी अंदर जाऊं और मेरा अब की बार बड़ी रैलियों से ना करके गांव-गांव तक पहुंचकर, हर शहर हर कस्बे तक पहुंचकर युवाओं के बीच में स्वयं पहुंचे युवा मोर्चा की टीम और जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएं, उनका जो लाभ युवाओं को मिलना चाहिए उनको लाभ दिलवाने का काम युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। और एक अलग जोश मोदी जी के प्रति युवाओं के अंदर है और माननीय मनोहर लाल जी जिस ढंग से ईमानदारी के साथ युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, जिस पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम कर रहे हैं, तो आज युवाओं की भी हरियाणा के अंदर पहली पसंद आदरणीय मनोहर लाल जी हैं। उनके नेतृत्व में लगभग
डेढ़ लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का लाभ युवाओं को मिला है और कौशल विभाग के नाते भी लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 सालों के अंदर किया है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।